हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रही है करीबन 100 और LCA-30 मार्क 1A परचेज करने के लिए, जो कि टोटल LCA-30 की संख्या इंडियन एयरफोर्स में बढ़ाकर 200 के ऊपर कर देगा। उसके बाद मार्क 2 प्लेटफॉर्म अलग से लिए जाएंगे। तो इसको लेकर हमने वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने चर्चा करी थी LCA-30 मार्क 1B के प्रपोजल की, जिसके अंतर्गत हमने ये कहा था कि 30 मार्क 1B भी बनाया जा सकता है क्योंकि ऑर्डर संख्या ज़्यादा है और एयरक्राफ्ट जो हैं ये करीबन एक दशक तक का समय ले सकते हैं लास्ट बैच डिलीवर होने तक, और तब तक हमें इन प्लेटफॉर्म के एडवांस वर्जन्स पर काम करना चाहिए जिसके अंतर्गत एवियोनिक अपग्रेड पर मेनली हम फोकस कर सकते हैं, लेकिन इंजन अपग्रेड की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड वर्क हम पहले भी कावेरी इंजन में कर चुके हैं। उसके बाद हम जनरल इलेक्ट्रिक के F414GEINS6 इंजन को इंडिया में बनाएंगे 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। फिर सैफरॉन के साथ एक नए जेट इंजन को बनाना ही है, 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को, और कावेरी इंजन पर हम काम अभी भी कर ही रहे हैं और इसके ड्राई थ्रस्ट वर्जन को हम मैच्योर कर रहे हैं हमारे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल से इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो घातक क्यूकैब होगा ये एक्चुअली LCA-30 की वेट क्लास कैटेगरी में आएगा, यानी कि ये जो कावेरी इंजन इसमें लगेगा ये उसी वेट क्लास फाइटर के लिए डेवलप किया जा रहा था जिस वेट क्लास का घातक यूकैव है। तो कावेरी इंजन पर रेगुलरली काम चल रहा है और अभी भी यहाँ पर कोशिश करी जा रही है कि इस इंजन को उस पोटेंशियल तक पहुँचाया जाए जो कि शुरुआत में प्लान किया गया था। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 40 साल का समय होने जा रहा है। तो इस प्रोग्राम को 1986 में स्टार्ट किया गया था, और क्योंकि ये LCA-30 के लिए रिक्वायर्ड थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा था इसलिए 2002 में इंडियन एयरफोर्स ने इन इंजन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से यूज़ करने का जो प्लान है उसे ड्रॉप कर दिया। फिर इस इंजन को रिवाइव करने के प्लान पर काम किया गया। 2004 में ये हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फेल कर गया था रशिया में। फिर 2006 में इस इंजन को फिक्स करने के लिए स्नेकमा को कॉन्टैक्ट किया गया और चीज़ें ढंग से नहीं हो पाई। 2008 में इस इंजन को 30 प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया गया और उसके बाद कावेरी इंजन के मरीन वर्जन पर भी साथ ही साथ काम किया गया, पर 30 से अलग होने के बावजूद इस इंजन पर काम बंद नहीं हुआ। 2019 में दोबारा से इस इंजन को फंडिंग मिली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत, और 2023 तक की माने तो कावेरी इंजन ने सक्सेसफुल हाई एल्टीट्यूड टेस्ट रशियन फैसिलिटी में पूरे किए हैं ड्राई थ्रस्ट वर्जन को लेकर, और 2024 तक यानी कि अगले साल तक ये माना जाता है कि जो ड्राई थ्रस्ट वर्जन है इसको फिट फॉर सर्विस घोषित कर दिया जाएगा और इन्हें गोदरेज एरोस्पेस द्वारा बनाया जा रहा है घातक यूकैफ के लिए। बीच में रफाल डील के बाद फिर से स्नेकमा को कॉन्टैक्ट किया गया था इस इंजन को सही करने के लिए। स्नेकमा ने अपने खुद के M88 इंजन के कोर को ऑफर किया था, पर जो थ्रस्ट यहाँ पर पैदा हो रहा था ये अराउंड 73 किलो न्यूटन के आसपास का था। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है ये 90 से 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट की है। वहीं पर जो प्रेजेंट इंजन है जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 है ये 85 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा कर पाता है। तो कावेरी के साथ कई दिक्कतें थी जिस पर काम भी किया गया, वाइब्रेशन इश्यूज थे जिनको सॉर्ट कर लिया गया। उसके बाद फिर वेट यहाँ पर ज़्यादा है जिस पर काम किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण नया बाईपास डक्ट है जिसको यूज़ करने पर करीबन 6 किलोग्राम वजन कम हुआ है। तो कावेरी इंजन से जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करी जा रही है ये एक्चुअली जनरल इलेक्ट्रिक F404 से ज़्यादा है और F414 के करीब है, पर जो हम अभी अचीव कर पाए हैं ये एक्चुअली F404 से ज़्यादा भारी इंजन है और F404 से भी कम थ्रस्ट पैदा कर पा रहा है। तो अभी भी GTRE द्वारा कोशिश करी जा रही है कि एक LCA-30 एयरक्राफ्ट को लेकर इस इंजन को LCA-30 में लगाकर टेस्ट किया जाए, और उनके द्वारा रेगुलरली काम किया जा रहा है कि इसका मैक्सिमम थ्रस्ट बढ़ाया जा सके और वज़न थोड़ा कम किया जा सके। तो इस इंजन को डेवलप करने में सबसे बड़ी गलती हमारे साथ ये हुई कि हमने एक सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया, और वो भी तब जब इस इंजन को डेवलप करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेस्ट फैसिलिटी नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं थे और प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। तो समय और पैसे की बर्बादी यहाँ पर एक्सपेक्टेड ही थी, पर ऐसा नहीं है कि 30 साल से ज़्यादा समय हमने यहाँ पर लगाया है तो कुछ सीखा नहीं है, बहुत कुछ सीखा है और यही एक्सपीरियंस यूज़ किया जाएगा 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को डेवलप करने के लिए जो कि सैफरॉन के साथ मिलकर इंडिया द्वारा बनाया जाएगा। साथ ही साथ इस बीच जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को भी इंडिया में बनाया जाएगा 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT के साथ। तो
इस इंजन के साथ कई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमारे पास आएगी, कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर हम काम कर पाएंगे, तो वहाँ से भी हमको एक्सपीरियंस मिलेगा और ये सारा एक्सपीरियंस यूज़ किया जा सकता है कावेरी इंजन को एक सक्सेस बनाने के लिए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो LC-13 के इंजन है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 है, ये हाईएस्ट थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग F404 वेरिएंट है, लेकिन फिर भी LC-13 की रिक्वायरमेंट से थोड़ा नीचे रह जाता है और ये चीज़ LC-13 की परफॉर्मेंस को थोड़ा अफेक्ट करती है और स्पेशली ट्रांसोनिक परफॉर्मेंस में एयरक्राफ्ट थोड़ा स्ट्रगल करता है, जो कि 13 Spark 2 में सॉर्ट करने की कोशिश करी जा रही है एक हाईएस्ट थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग इंजन को यूज़ करके और एरोडायनेमिक डिज़ाइन को थोड़ा बेहतर बनाकर। पर अगर यहाँ पर एक ऐसा इंजन लग जाता है जो कि 90 से 95 kN का थ्रस्ट मैक्सिमम पैदा करने में सक्षम है और ड्राई थ्रस्ट 52 से 55 kN का पैदा कर पाता है, तो ये डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में सक्षम होगा और इसीलिए इस इंजन की भी रिक्वायरमेंट हमें है। तो हम इसमें काफ़ी ज़्यादा पहले ही खर्च कर चुके हैं और इस प्रोग्राम को बंद करने का कोई सेंस नहीं बनता है अगर हम एक दूसरे प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। तो पैरेलल में एक ज़्यादा थ्रस्ट वाले इंजन को बनाना तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ अब इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने का भी पर्पस दिखाई दे रहा है क्योंकि एडिशनल 13 की रिक्वायरमेंट एयरफोर्स ने सामने रखी है। तो अगर 200 एयरक्राफ्ट हम ऑपरेट करेंगे और उनके इंजन को फ्यूचर में रिप्लेस करने के बारे में प्लान किया जाता है और एक बेटर इंजन हमारे पास खुद डेवलप्ड मौजूद होगा, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता और इसलिए कावेरी इंजन पर काम जारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हम इंडिजिनस एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, पर यहाँ एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि F404 के कई कस्टमर हैं जो कि लिफ्ट कैटेगरी में प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हैं। फ्यूचर में उनके इंजन्स को रिप्लेस करने के लिए भी कावेरी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है, जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा खुद अपने F414 इंजन को लेकर टेस्ट किया जा रहा है सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट ब्लेड्स को, जो कि टेम्परेचर को कम रखने में सक्षम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर थ्रस्ट को बढ़ाया जा सकता है। तो सेम इंजन के साथ डेफिनेटली थ्रस्ट को बढ़ाया जा सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और अगर हम उस पर काम कर पाते हैं तो सिमिलर साइज इंजन के लिए हम ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे और अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम होंगे। तो जो LC-13 Mk1A है, ये अपने पूरे पोटेंशियल पर पहुंच पाएगा, जो अगेन उस प्लेटफॉर्म के भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इस प्रोग्राम को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।